कि यहाँ हमारे सतपड़ा की नहर है, इस नहर पे लोगों को भगाया जाता है, दौड़ाया जाता है, दौड़ा दौड़ा कर उनकी वीडियोज बनाई जाती हैं और फिर उनको ऑन रिकॉर्ड पुलिस के लिए ऊपर उच्च अधिकारी को दिखाया जाता है कि साहब देख लो साहब हमने इनको भगा भगा कर पकड़ा है, फिर मोबाइल बांधे जाते हैं, फर्जी सिम बांधी जाती है। मतलब ये चीज कोई गलत थोड़ी है, सब सही है। उच्च अधिकारी को गुमराह किया। अब हमारा कहने का मतलब ये है कि मेरे कौम को जो डराया जा रहा है, इस कौम को डरने नहीं देंगे। जो इस कौम के अंदर चंद लोग ऐसे हैं जो गलत काम कर रहे हैं, उनको हम जबरदस्ती रोकेंगे और उनको हम गलत काम नहीं होने देंगे। ये हम इनको भी कह रहे हैं कि भाई हम जब ही सफल होंगे जब आप अपना घर साफ कर लेंगे जी। अब मेहमान जब ही आएंगे, लक्ष्मी जब ही आएगी और जब पैसा जब ही आएगा, जब आपका घर साफ होगा। घर साफ होगा तो नहीं होगा, और घर साफ में मन से, वचन से, तन से ये सब बीमारी छोड़नी पड़ेंगी। पुलिस के अंतरिया में थे नहीं, हमने बार बार आई साहब को बताया भी, एसपी साहब को बताया, रात को एक ऑयल एक्सपाजर साथ पाँच आदमी ले गए, लेकिन उन आदमियों को वापिस बाइज्जत छोड़ने के लिए हम जो कि इस अभियान के मेंबर हैं, सचिव महामंत्री अकबर जी हैं जो लगातार सामाजिक कामों में बढ़ चढ़ कर लेते हैं, उनको क्या बनाया गया है? महामंत्री। आपको भी महामंत्री बनाया गया है और जुबैर साहब हैं आपको क्या? एम जुबैर खान, मैं इसका विरोध में जन जागृति अभियान का अध्यक्ष हैं। ठीक है, और आप पूरी तरीके से इनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आप संरक्षक हैं, ठीक है, निदेशक है। सबसे पहले सीताराम गुप्ता जी हैं। अच्छा ये बताएं कि आज आप लोगों ने जो महा पंचायत की है, इसके पीछे का मकसद क्या है, क्या उद्देश्य है? देखिए इसके पीछे का मकसद ये है कि जब हमने 1988 में 2 अक्टूबर को जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था, और प्रोग्राम शुरू किया था तो हमको ये मालूम था कि मेवात इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है और इसमें किस तरह से विकास किए, जो उस वक्त मैं लूपिन में था। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बिल्कुल पृष्ठभूमि बता देता हूँ कि जब नटवर सिंह जी मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने, जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक मुहिम चलाई, राजीव गांधी ने कहा कि मैं हिंदुस्तान के सबसे गरीब इलाके को देखता हूँ, तो नटवर सिंह जी उनको सोमका में लेके आए, सोमका लेके आए, और सोमका को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मॉनिटर किया गया, तो सड़क बन गई वहाँ, बिजली आ गई वहाँ पर, बिजली मैन मैं गया जब मैं RSEB में था उस वक्त, मैं लूपिन में नहीं था, और उसके अलावा उस पर बैंक खुल गई और सब कुछ पानी पीने की सुविधाएं हो गई। तो मेरे मन में फिर उसके बाद कालांतर में मैं इसमें आ गया लूपिन में, तो मैंने कहा भाई देखते हैं, चलो सोमका चलते हैं पहली दफ़े, कितना विकास हुआ है। तो जब मैं मेरे भाइयों से मिला तो उन्होंने बड़ी तगड़ी बात कही, मैंने कि भाई देखो तुम्हारे यहाँ बैंक आ गई, बिजली आ गई, सड़क आ गई, सब कुछ हो गया, अब तो बहुत विकास हो गया। पहले तो प्राइम मिनिस्टर भी पूरे धूल के हो गए थे, मुझे वो दिन भी याद है, पूरे धूल के, प्राइम हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर पूरे धूल में, उनकी आँखें दिखाई दे रही थी सर, इतनी बुरी हालत थी वहाँ, हेलीकॉप्टर उतारने में कोई जगह नहीं। तो जब वो आए तो मैंने कहा भाई क्या हुआ, बैंक में बैंक खुल गई तुम्हारी भाई साहब, बैंक में तो जब होगा ना, जब हमारे जेब में दो पैसे होंगे। तो मैंने कहा भाई क्या हुआ, उनका साहब हमारी भूमि बेकार है, मुझे नहीं मालूम था, सच कह रहा हूँ आपको, मैं RSEB में था, तो हमारी ज़मीन तो बेकार है। फिर हमने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर जो रिसर्च है उसकी, जो इंडियन सॉइल नेटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके करनाल की, उसके डायरेक्टर को बुलाया और उसने पहले 12 एकड़ ज़मीन खुद तैयार की, तो उसमें एकदम लहलाती फसल हो गई जिप्सम दे करके। फिर हमने एक प्रोजेक्ट लिया, बहुत भारत सरकार से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया, और उसमें उस वक्त 250 ट्रक हम जिप्सम हनुमानगढ़ से लेके आए, पहली दफ़े पूरे राजस्थान में या हिंदुस्तान में इतना बड़ा प्रयोग हुआ होगा। और हमने पूरी भूमि सुधार कार्यक्रम किया, और मुझे वो दिन याद है कि ये तो 5,000 ही कह रहे हैं, 500 रुपये में GS संधू साहब ने कहा कि ज़मीन अलॉट करता हूँ, उनका मेवो ने ये कहा, उस वक्त बोलते ऐसे ही बोलते थे, अब तो बहुत जोरदार बोल रहे हैं, मैंने तू ही ले जाया ज़मीन है, मुझे वो वर्ड याद है, तू ही ले जाया है, हम क्या करें यहाँ को, 500 रुपये कहाँ थे हमें हमारे पास। तो उसके बाद भूमि सुधार कार्यक्रम हुआ, तो जी सुधार होते ही वो 12 एकड़ सुधरी, 25,000 हो गई उसी दिन। अच्छा, हाँ उसी 25 बढ़ गई, 25,000 हो गई, 500 रुपये में लेने वाला नहीं था। अब आप देखिए कि चूंकि वो करनाल से आदमी आए हुए थे तो शायद किसी साइंटिस्ट के मुंह से निकल गया, तो हरियाणा से कुछ लोग आ गए और उन्होंने ज़मीन शुरू खरीदना शुरू कर दिया। हमारे मेरे भाई तो शरीफ हैं, मैं आज मैं क्यों कह रहा हूँ शरीफ हैं, वैसे नहीं कह रहा कि इन्होंने ज़मीन बेचना शुरू कर दिया, तो हमको बड़े रुपये पे मिलने 25,000। अब बारी आती है कि मेवात इलाके में पिछले कई दिनों से, पिछले काफ़ी समय से लगातार टटरूबाजी के नाम पर, साइबर ठगी के नाम पर, सेक्सटॉर्शन के नाम पर लगातार कार्रवाई हो रही है। उसमें ये भी कहा जा रहा है कि इलीगल तरीके से गिरफ्तारियां डाली जा रही हैं,
लोगों को परेशान किया जा रहा है, इसको लेकर के क्या फैसला हुआ है आज? आज फैसला ये है कि सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए किसी चीज़ को रोकने के लिए हमको उसको अल्टरनेट देना पड़ेगा। अगर वो टटलूबाजी या कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो हो सकता है वो इस बात में कर रहे हों कि उनको कोई आय के साधन नहीं है, तो हमको उनको आय के साधन, इसलिए हमने पहले आय के साधन बताए उनको। तो उसमें आय के साधन में दो तीन चीज़ें, एक संस्थागत और है, संस्थागत में जो रह रहे हैं इंडस्ट्री खोलना, और जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय का खोलना अपने को, और कुछ हमारे जो भी हो सकता है, क्या हमारी स्किलिंग इंस्टीट्यूट हो सकती है क्या यहाँ पे, स्किल के लिए हमारे इंस्टीट्यूट हो सकती है क्या, तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। और दूसरी बात ये कि हम इनको भी कह रहे हैं कि भाई हम जब ही सफल होंगे जब आप अपना घर साफ कर लेंगे, अब मेहमान जब ही आएंगे, लक्ष्मी जब ही आएगी, और जब पैसा जब ही आएगा जब आपका घर साफ होगा, घर साफ होगा तो नहीं होगा, और घर साफ में मन से वचन से तन से ये सब बीमारी छोड़नी पड़ेंगी। तो आपका कहना यह है कि गलत गतिविधियों से बचाने के लिए आप अल्टरनेट दे रहे हैं, अल्टरनेट दे रहे हैं, लोगों का माइंड थोड़ा डाइवर्ट किया जाए वहाँ से अटक के, डाइवर्ट नहीं, हम पूरा हटाना चाहते हैं, हम इसको रचनात्मक काम में लगाना चाहते हैं। चलिए अच्छा अकबर जी बताएं कि पिछले करीब 2 महीने से किस तरीके की कार्रवाई चल रही है? वो अब सबको पता है, जग जाहिर है, बताएं लोग, पुलिस एक्सटर्शन और रॉयल एक्स के नाम पर पुलिस जिस तरह की सख्त कार्रवाई कर रही है, आदरणीय आईजी राहुल प्रकाश जी जब राजस्थान की सरकार बदली तो उस वक्त वीड़ा उठा के आए थे कि भाई हम साइबर क्राइम को रोकेंगे, उसके लिए वो लगातार अथक प्रयास कर रहे हैं, अब उसमें कुछ कमियाँ हो जाती है, पुलिस का काम है फिर डंडे के, वो ये बोल रहे हैं कि जो भी साइबर ठगी कर रहे हैं हम उनको पकड़ रहे हैं, वैसे कुछ नहीं गलत वो ऐसा है, पुलिस के अंतरिया में थे नहीं, हमने बार बार आईजी साहब को बताया भी है, एसपी साहब को बताया, रात को एक ऑयल बाजे उसके साथ 5 आदमी ले गए, लेकिन उन आदमियों को वापस बाइज्जत छोड़ने के लिए हमने आईजी और एसपी के मतलब उसमें संज्ञान में लाए हम, और उस पर कोशिश भी कर रहे हैं, उन आश्वासन भी दिया हमारे आदमियों को, हम कोशिश करेंगे हमको बताओ यदि गलत हो रहा है तो कुछ उसमें सुधार। उम्मीदें क्या हैं? उम्मीद तो है, उम्मीद है। चलिए हमारे साथ में अताउल्ला है, अताउल्ला जी ये बताएं कि आप मंच से लोगों को संबोधित कर रहे थे, बताए थे कि बहुत सारे ऐसे लोगों को पकड़ा गया जो साइबर ठगी में इन्वॉल्व नहीं थे और लगातार टॉर्चर किया जा रहा है, लोगों को गोली मारी जा रही है। अरे ये कोई झूठ थोड़ी है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। अभी गत दिनों पहले गांवड़ी गाँव में जो घटना हुई थी वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उसके घर पे, और उस लड़के को सही सलामत घर से लाया गया है, और लाने के बाद में रात को 2 बजे नहर की पटली पर ले जाकर उसे गोली मार दी जाती है पुलिस वालों ने। हाँ पुलिस वालों ने, तो ये भी तो कहीं अन्याय तो है, न्याय थोड़ी है। और जिस लड़के के पास एजेंसियां हैं, अच्छा काम कर रहा है, अच्छा मकान बना रखा है, पहले से जागीरदार है, तो उसका मुकदमा जिसके खिलाफ आज तक थाने में दर्ज नहीं है, पूरा रिकॉर्ड है, तो उस आदमी को क्यों टॉर्चर किया जाए, क्यों उसका पाम तोड़ा जाए, क्यों उसको परेशान किया जाए? तो फिर इस मामले में आप लोगों ने मुलाकात नहीं करी अधिकारियों से? मुखबरों के इशारे पर एक इज्जतदार आदमी को परेशान किया जाए, उसके साथ बर्बरता की जाए, इन चीज़ों के हम खिलाफ हैं, गलत नहीं होना चाहिए। अगर कोई सेक्सटॉर्शन कर रहा है और लक्ष्यबाजी कर रहा है तो वो जो मुद्दई है उसी के साथ सजा हो, उसी को कोई सजा मिले, उसी के साथ कोई काम कार्रवाइयाँ हो, अन्यथा निर्दोष आदमियों के साथ कार्रवाई ना हो, ये हमारा उद्देश्य है। पुलिस प्रशासन तो कहता है कि निर्दोष के साथ हम कार्रवाई करते नहीं है, नहीं करते हैं, तो अब हो तो रही कार्रवाई, सामने तो आ रही है। अभी कल परसों को मैंने बताया आपको, अभी 4-5 आदमियों को निर्दोषों को बंद किया गया है, और जबकि वो रिश्तेदारी मिलने आए थे, पहले कई ऐसे कार्रवाई हुई है, जैसे गांवड़ी वाले मैंने बात बताई आपको, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि यहाँ हमारे सटपड़ा की नहर है, इस नहर पे लोगों को भगाया जाता है, दौड़ाया जाता है, दौड़ा दौड़ा कर उनकी वीडियोज़ बनाई जाती हैं, और फिर उनको ऑन रिकॉर्ड पुलिस के लिए ऊपर उच्च अधिकारी को दिखाया जाता है कि साहब देख लो साहब हमने इनको भगा भगा पकड़ा है, फिर मोबाइल बांधे जाते हैं, फर्जी सिम बांधी जाती हैं, ये चीज़ कोई गलत थोड़ी है, सब सही है। उच्च अधिकारी को गुमराह किया। अब हमारा कहने का मतलब ये है कि मेरे कौम को जो डराया जा रहा है इस कौम को डरने नहीं देंगे, जो इस कौम के अंदर चंद लोग ऐसे हैं जो गलत काम कर रहे हैं उनको हम जबरदस्ती रोकेंगे और उनको हम गलत काम नहीं होने देंगे। ये हमारा जबरदस्त अभियान जो चल रहा है इसी पर जो चल रहा है, पहले हम अपना घर साफ करेंगे, जो हमारे सीताराम गुप्ता जी ने कहा है, घर को साफ करने के बाद फिर हम बताएंगे कि पुलिस का क्या काम है और बाकी एजेंसियों का क्या काम है। हर काम पुलिस का नहीं होता है, कोर्ट कोर्ट का काम करेगा, पुलिस पुलिस का काम करेगी। तो यहाँ पुलिस, यहाँ की पुलिस हिटलर शाही कर रही है। कैसे हिटलर शाही? ऐसे कर रही है कि अभी आपने क्या सुना है, अभी यही तो सुना है ना आपने कि जो निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है हिटलर शाही है, तो ये हिटलर शाही हम नहीं चलने देंगे। अब आप लोगों ने क्या फैसला लिया है? फैसला ये ले कि हम समाज को सुधारने के लिए दिन प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं, हमारी पंचायतें चल रही हैं, हमारा अभियान चल रहा है, हम अपने समाज को सुधारने का मैसेज दे रहे हैं, और पुलिस का कोई अधिकार नहीं है कि वो निर्दोष लोगों को पकड़े, पकड़ के जेल में डाले।
चलिए एम जुबैर साहब जी, अच्छा ये बताएं कि कुछ क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आप लोगों ने कैंपेन स्टार्ट किया, इससे कुछ सुधार होगा या नहीं होगा? देखो सबसे पहले मैं ब्रज मेवात जन जागृति अभियान की तरफ से आप सभी पत्रकार बंधुगणों का स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। मैं हमारे माननीय संरक्षक श्री सीताराम गुप्ता जी और जन जागृति अभियान के सभी सदस्यों के सामने ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो ब्रज मेवात जन जागृति जो अभियान है ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स का अभियान नहीं है, ना किसी पार्टी पॉलिटिकल स्टेटमेंट से या फिर लीडर से हमारी कोई शिकायत नहीं है। हम केवल अपने मेव समुदाय के अंदर सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और कृषि के रूप से, औद्योगिक धंधों के रूप से हम एक तो जागरूकता का काम कर रहे हैं समाज के बीच में जा कर के, एक हम सभी से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं कि भाई ये मेव मेवा कहलाती थी और हमारे नौजवान हमारे यूथ्स गलत रास्ते को लीड कर रहे हैं जो कि हमारे एक विनाश का कारण हो सकता है। हमें अगर आगे बढ़ना है तो हम शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ें, अपने रोजगार धंधों के रूप में आगे बढ़ें, तो ये हमारा मेनली यानी जागरूकता का अभियान है। और कई चीज़ ऐसी हैं जैसे गोकशी है भाई, एक हिंदू भाइयों का एक मजहबी फरीजा है, हिंदू भाई गाय की पूजा करते हैं तो हमें गोकशी भी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन इस तरीके के आंकड़े सामने आए हैं कि लगभग 99% गोकशी का काम हमारे मेवाती लोगों ने अब छोड़ दिया है। हाँ, और यहाँ होता भी नहीं है। और इस बात की जो गवाही विधानसभा के अंदर नौक्षम चौधरी ने भी कहा है कि अब मेवात के अंदर गोकशी नहीं होती, और श्री सीताराम गुप्ता जी और एम जुबैर खान जी और उनके जो कारकुन हैं जो इस मुहिम को लेकर चल रहे हैं और वो जगह जगह पंचायत भी कर रहे हैं और इस पर लगभग रोक लग चुकी है। साथ में हमारा ये भी एक अभियान है कि पुलिस जो नाजायज लोगों के साथ जो जाति कर रही है टटलू के नाम पर, ओलेक्स के नाम पर, कि हम पुलिस से भी ये चाहते हैं वो सबसे पहले ग्रास रूटली उसकी इन्वेस्टिगेशन कर लें, और इन्वेस्टिगेशन करके अगर जो आदमी कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन अनर्गल तरीके से एक के साथ 10 लोगों को नाजायज उठा के ले जाते हैं वो गलत है, और इससे पुलिस के प्रति एक विश्वास में लोगों के दिल और दिमाग कमी आती है, विश्वास होता जा रहा है। चलिए एक लाइन में सिर्फ एक बात है, हमको मेवात के खोए हुए गौरव को वापस लाना है और उसको बढ़ाना है हमें। इसमें हम आर्थिक भी काम करेंगे, सामाजिक भी काम करेंगे, सांस्कृतिक भी काम करेंगे, सारे काम इसमें शामिल होते हैं हमारे, और इसमें हम जो भी हमारा साथ देंगे, प्रशासन दे, राजनेता दे, वो दे, लेकिन हम राजनीति से दूर रहेंगे, बिल्कुल दूर राजनीति से हम काम करेंगे और हम कमिटेड हैं इस बात। अच्छा, मेवात की प्रतिष्ठा, जो खोई हुई प्रतिष्ठा को आप वापस दिलाने की बात कर रहे हैं, कितने दिनों से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? नहीं, पहले तो बहुत लंबा काम किया है हमने, लेकिन ये जो हमारा जो ब्रज मेवात जन जागृति अभियान है ये करीब हमारा अब एक महीने से चालू हुआ है, लेकिन बड़ी तगड़ी बात है कि एक महीने में बड़ा, मतलब एक बड़ा तगड़ा बदलाव आया है, लोगों की डिमांड आ रही है। आज हमारे पास 2 मीटिंगों के फिर प्रस्ताव आ गए। इतना बड़ा गैप क्यों छोड़ दिया आपने? आप बताइए, इतने साल पहले हम लोग आए, काम किए, और उसके बाद में अब एक महीने बाद में? नहीं, अब तो धीरे धीरे चीज़ों को मालूम पड़ता है, कोई चीज़ों का, जैसे अब जन जागृति हमारा अभियान तो अभी बना है, लेकिन पहले मैं लूपिन में था तो फिर हमने कहा भाई अभी तो सब काम हो गया होगा और हमको मालूम नहीं था, लेकिन अब हमें मालूम पड़ा कि भाई ये, और जब हमको भी फुर्सत नहीं थी, क्यों हमने एक भरतपुर में काम शुरू किया और 8 राज्यों में फैला दिया, तो हमको भी फुर्सत नहीं थी सोचने। जनाब, अगर आपका वो कैंपेन चलता आता अब तक भी तो शायद ये नौबत तो आज नहीं दिखती, शायद नहीं होती, मैं ये बात को मानता हूँ, शायद वो नहीं आती है, तो इसलिए आपने बीड़ा उठा लिया कि प्रतिष्ठा को वापस लाना है, प्रतिष्ठा को वापस लाना, पूरी उम्मीद है आ जाएगी वापस, बिल्कुल आएगी, कोई रोक नहीं सकता इसको। तो कितनी ताकत लगाएंगे इसके लिए? इसके लिए जब तक हम में सांस है जब तक लाएंगे, लड़ जाएंगे, बिल्कुल कोई के लड़ जाएंगे। चलिए, ये है हमारे साथ में वो सामाजिक संगठन के लोग जो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मेवात की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाना है, मेवात इलाके के लोगों को गलत गतिविधियों से बचाना है, लेकिन इस मिशन में कितना सक्सेस होता है ब्रज मेवात जन जागृति अभियान, ये आपको वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, तब तक के लिए आप बने रहिए।